बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, नमाज कायम करें, अल्लाह आपकी जान माल औलाद में बरकत अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको अकबरी मंडी लाहौर का विज़िट करवाने जा रहा हूँ। उसमें बेशुमार आइटम ऐसी हैं जो ग्रॉसरी के मुतल्लिक होती है, किराने के मुतल्लिक होती है, वो होल सेल रेट में मिलती है, उनका काफ़ी सारा रेट का फ़र्क होता है जो आपकी मार्केट होती है। उसमें कई चीज़ें आप उधर सप्लाई भी कर सकते हैं और कई चीज़ें मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी हुआ है। चलिए आपको अकबरी मंडी लाहौर का विज़िट करवाते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, ये मस्जिद बनी है खान, अब हम विज़िट करेंगे उसका अकबरी मंडी का। ये अकबरी मंडी से साथ ही ना ये मस्जिद वज़ीर खान है, ये मस्जिद वज़ीर खान का खाता है। और ये जो नज़र आ रही है मस्जिद वज़ीर खान है, बड़ा तारीखी मकाम है ये। ये आगे हम थोड़ा सा जाएंगे, ये तो आगे ये थोड़ा सा बाज़ार है, बाज़ार से हम अकबरी की मंडी के अंदर ही एंटर हो जाएंगे। फिर आपको उधर का भी रियर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है, तो इसका तारीखी पस मंज़र में इसका बड़ी बड़ी अहमियत है। और ये सारा जो मार्केट है ये भी ट्रेडिशनल है, ये आपको एक गुंबद नज़र आ रहा है, ये मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल अपोजिट है, ये एक दरबार है इसके सामने, मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल सामने। और ये जो है ना औक़ाफ़ वालों ने इधर सोफे वगैरह भी रखे हुए हैं ताकि दूसरे शहरों से जो लोग आते हैं वो आराम से आके बैठे। ये गुंबद है बड़ा खूबसूरत, उन्होंने आज लाहौर वो ओल्ड सिटी वालों ने ना इसको बड़ा खूबसूरत कर दिया। ये दिल्ली गेट से एंटर होते ही या कि ये मार्केट मंडी वज़ीर खान है और उसके दाएं साइड से ये अकबरी मंडी आ जाती है। तो अकबरी मंडी में होल सेल आपको वो मैं सारी मार्केट दिखाने जा रहा हूँ जिनका मैंने अपने वीडियो में बताया था कि उसके बाद होल सेल माल मिल जाता है और उसका रेट भी अच्छा होता है। ताकि मैं आपको विजिट करवाने के लिए मैंने चीज़ें बताई थी जरिए विजिट करवा दिखाना चाह रहा हूँ। ये छोटी सी मार्केट है, ये हमारी आगे जाने और बड़ा अच्छा डेकोरेट है, बड़ी खूबसूरत है इधर देखने का। और अगर कोई लाहौर में आए तो इसको देखने का अपना ही पता है और बड़ा इंजॉय करता है बंदा। तो इसमें रश भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये आगे आगे ये चली जाएगी सीधा, आगे काफ़ी आगे जाएंगे तो आगे ये चली जाती है आजम कलाज मार्केट की भी जाके एंटर होती है। गली छोटी छोटी गलियाँ हैं, बिल्कुल तंग तंग सी गलियाँ हैं, यहाँ गाड़ी का तो तकरीबन कब की जो है कुछ के अंदर एक घुसती जाता है, लेकिन ये तो आने नहीं पा रहा, बंदा बाइक भी फंस जाता है। तो ये हम एंटर हो गए अकबरी मंडी, ये भी एक तारीखी पॉइंट है। ये जो होते हैं वो हमाम है, शाही हमाम है। और ये सारा ये अकबरी मंडी की सारी मार्केट है, इधर हर चीज़ अवेलेबल है। ये या तो मसाला जात खजूर और आयल की, ये आगे आगे कोल्लू नज़र आएंगे छोटे अंदर एक गली है, उसकी छोटी छोटी गलियों में ये कोल्लू बने हुए हैं, ये सारे ये कोल्लू नज़र आ रहे हैं। ये इसके सारे पीछे जो है ये सारे इधर औरतें जा रही हैं, ये सारे कोल्लू और उधर गरी का तेल, बादाम का आयल और सरसों का और जितने भी आयल है वो सारे इधर छोटी छोटी लगाए हुए हैं, कोल्लू लगाए हुए हैं, मशीनें लगाई हुई हैं, उधर निकाल के फ्रेश देते हैं और रेट भी बहुत अच्छा है। अब मैंने वो उसका गरी का आयल पूछा था यानी कि नारियल का, तो वो 1200 रुपये के जी था। ये चावलों की होल सेल मार्केट आ गया है खाने का, तो ये पीछे चलते जा रहे हैं। किराने का सामान हर तरह का ये अवेलेबल होता है। तो इधर आगे इधर मंडी वो लगती है, बोली भी लगती है, वो उसका टाइम सुबह सुबह का होता है तो बोली लग रही होती है। आगे आप देखते जाएंगे ना ये कोल्लू बहुत बड़ा कोल्लू है। और ये दुकानों के साथ ये आगे मंडी का पॉइंट शुरू हो जाता है जिधर बोली शुरू लगती है। तो ये दालें वगैरह हर चीज़ अवेलेबल है, उनके पास एक अगर दालों वाला स्टाल है तो सारी सिर्फ दालों वाले। तो ये चलता है इधर कुर्ते मैंने देखे, उधर कुर्ती ये चेयर लगे हुए हैं और उनका एक मखसूस टाइम होता है जिसके टाइम पर बोली लगती है। तो इसका निज़ाम भी बड़ा, जो जो काम करते हैं उनको छत के कर रहे हैं उनको हर चीज़ का अंदाज़ा होता है
छोटी छोटी गलियाँ, ये काफ़ी बड़ा एरिया है। और सुरख मिर्च कहिए, पूरा स्टाल ही सुरख मिर्च का होगा। आगे जाएंगे वो किशमिश का है, पूरा स्टाल वो पूरे पूरे उधर एरिया वही होता है। उधर आपको दूसरा परचून में भी मिल जाता है, लेकिन परचून में ये नहीं कि एक दो पर एक पाव ज़्यादा किलो, कम से कम दो दो तीन तीन किलो वो लोग लोग आए होते हैं शहर से, जो वो लेके चले भी जाते हैं, वो देखते हैं, वो उनको रेट बड़ा अच्छा मुनासिब मिल जाता है। ये सब्जियों के स्टॉल लगे हुए हैं सारे, ये गर्म मसाले के हैं, ये मूँगफली आ गई, तो ये सारा गर्म मसाले इधर से, ये काली मिर्च नज़र आ रही है, सारे इधर से बहुत अच्छा रेट मिल जाता है। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको मार्केट में और इसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आएगा। और मज़े की बात है कि मैंने बाहर खजूर पूछी, मैंने खजूर तकरीबन 600 रुपये किलो में दिया, इधर मुझे 450। तो सुरख मिर्च है, सुरख मिर्च आपको जो पीसी हुई सुरख मिर्च है वो 700 रुपये किलो, और जो आपको खुश्क मिलती है वो सुरख मिर्च वो आपको 500 रुपये। ये सारी सब्जियों का